एवरीवन, क्या हाल चाल? आई सब क्या बच्चे होंगे। हम आ चुके हैं एक न्यू ब्लॉक लेके, जो कि एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि बनवाड़ा बना हुआ है। हम जाएंगे, वहाँ की लोकेशन बताएंगे। हमारे वीडियो में आगे बने रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ चलते वीडियो के साथ। हम मंदिर की सीमा में आ चुके हैं जो कि बनवाड़ा में स्थित है। तो चलो चलते आगे, हमारा मंदिर है आगे, मंदिर है वहाँ पर। बहुत ही अच्छा लुक दिया हुआ है आगे। इधर साइड में पेड़ लगाए हुए हैं, गेट है इधर और कुछ पेड़ बोए हुए इधर आगे और भी है। ये गाइस भोलेनाथ का छोटा सा मंदिर है यहाँ पर, और आगे ये धर्मशाला है इधर, और वो आगे सामने रहा मंदिर। तो गाइस यहाँ पर काम की प्रोसेसिंग चल रही है, जो कि बनवाड़ा का बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ पर देखना हो तो मतलब बनवाड़ा से तारद रास्ते पर, ये तारद और मोकड़ी के रास्ते पर बढ़ता है। बहुत ही अच्छा लुक है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा हवन और रामायण बिठाई जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। इधर बहुत ही मतलब जंगल जैसा किया हुआ है, मतलब हरियाली हरियाली इधर देख सकते हो। और पास में यहाँ पर एक नदी का नाला है, जो कि अंदर भी कौन से देवता है, नाग देवता है, क्योंकि हम बताएंगे आगे जाके। और यहाँ पर काम की प्रोसेस चल रही है। यहाँ मंदिर के कपाट अभी बंद है, जो कि हम बिना पूछे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए हम मंदिर के बाहर से ही व्यू ले सकते हैं। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर नदी का कुछ नाला है। फाइनली गाइस, हम जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि बहुत ही नाग देवता का बहुत ही अच्छा स्थान है, जो कि ये आपको गुफा जैसा दिखाई दे रहा है। वह उज्जैन से यहाँ तक आई हुई है, इसमें नाग देवता का मतलब स्थान है अंदर। यहाँ पर देख सकते हो आगे पीछे, ये देख सकते हो, ये गुफा जैसा उज्जैन से आ रहा है। यहाँ पर पानी आता है उज्जैन से, और अंदर नाग देवता का स्थान है, जो कि हम पास में नहीं जाएंगे अभी। हम मंदिर दिखा चुके हैं आपको, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टाटा एंड।